कहानी रानी की गलती। बहुत पहले के समय की बात है, एक रानी हुआ करती थी। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ी सी गुस्से वाली भी थी। एक दिन रानी ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को दावत पे बुलाया। सभी मंत्री आए, लेकिन उनमें से एक थोड़ी देर से आया। रानी ने गुस्से में आकर मंत्री को दरबार से बाहर जाने के लिए कह दिया। तुम अभी के अभी इस दरबार से बाहर निकल जाओ। और बेचारा मंत्री बाहर चला जाता है। जब दावत खत्म हुई, फिर सब अपने घर को वापस जाने लगे। जब रानी बाहर आई, तो उसने उस मंत्री को बाहर रोते हुए पाया। रानी ने उस मंत्री से पूछा, अब यहाँ पर बैठे रो क्यों रहे हो तुम? मंत्री ने रोने का कारण बताया। रानी जी, मेरी माँ बीमार थी, मैं उसके लिए दवाई लाने गया था, इस वजह से देर हो गई थी। रानी ने यह सुनकर मंत्री को दरबार में वापस बुलाया और खाना खिलाया। मुझे माफ करना मंत्री, मेरी वजह से तुम्हें आज खाना भी नहीं मिला होगा। चलो अंदर, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। यह सुनकर मंत्री खुश हो गया। रानी को पछतावा हुआ कि उसने मंत्री के साथ गलत किया, और अब रानी बदल गई थी और हमेशा के लिए खुश रहने लगी। तो देखा दोस्तों, कैसे रानी को उसकी गलती का पछतावा हुआ, ऐसे ही हमें भी अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहिए। इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है, सीख हमें हर काम सोच समझ के ही करना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।